सो वेलकम एवरीवन टू न्यू वीडियो ऑफ लाइक एंड ठीक है। तो अब जैसे कि आप सबको पता है कि झारखंड का जो NTAC का रजिस्ट्रेशन है वो निकल चुका है, राइट। सो हियर इज द पेपर क्लिप पेपर पिक, राइट। तो पेपर पिक में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो टाइमिंग देख लो, जैसे पता है हम लोग को कि 13 दिसंबर को होने वाला है, राइट। तो 13 दिसंबर को तुम्हारा मैट जो होने वाला है वो 10 बजे से 12 बजे तक होगा, एंड जो सेट होगा वो 2 बजे से 4 बजे तक होगा, राइट। सो यू हैव द 2 आवर्स डिफरेंस आफ्टर द टेस्ट एग्जाम, आफ्टर द टेस्ट फिनिशेस ऑफ मेंटल एबिलिटी, राइट। तो तुम्हारे पास टाइम रहेगा कि तुम या तो फिर अपना सेंटर के वहीं पर रहो या फिर तुम घर चल जाओ, फिर अगर डिपेंड करता है, राइट। तो प्लानिंग कर लेना अकॉर्डिंगली, राइट। सो फॉर हेयर फीस दिया हुआ है कि जनरल्स के लिए 250 और SC ST के लिए 125 एंड OBC के लिए भी 250 होगा मे बी, राइट। सो 100 मार्क्स का, राइट। एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज चेंज्ड। तो यहाँ पे देखो जो वेबसाइट है www.jack.jharkhandgovernment.in, यहाँ पे तुमको जाना है 15 दिसंबर से, देखो आज या मतलब अगर 16 है तो समझ लो कि एक दिन बाद, ठीक है, उस हिसाब से। तो तुम्हारे पास 15 इस महीने का अक्टूबर 15 से तुम्हारे पास नवंबर 13 तारीख तक टाइम है, बहुत टाइम है, राइट। तो क्या क्या प्रोसीजर करनी है ये सब बोल देता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट को यहाँ पे तो उनको अप्रूव या रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ये सब, और अगर आप 10th में हो तो अभी अपेयर कर सकते हो, राइट। ये सब की बात है, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो कॉल कर सकते हो, राइट। सो अब चलते हैं यहाँ पे, राइट। तो देखो लाइसेंस ऑफिसर का जो मतलब अगर तुम कोई भी स्टेट में हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग चल गए हेरिटेज, लेट्स सर्च फॉर झारखंड, हेरिटेज झारखंड, राइट। अब देखो भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मान लो तुम्हारा स्कूल रजिस्टर नहीं कर रहा है, राइट। स्कूल रजिस्टर कैसे करता है वो सब बाद में बताते हैं। स्कूल रजिस्टर नहीं कर रहा है तो तुमको ये जो एड्रेस दिख रहा है, राइट, ये एड्रेस और ये एड्रेस, ये एड्रेस और ये एड्रेस, राइट, ये दोनों एड्रेस में से तुमको कहीं से कॉन्टैक्ट करके, कहीं से बात करके तुमको वो एड्रेस में अपना फॉर्म भेजना पड़ेगा, फॉर्म प्रिंट करके, ठीक है। अगर स्कूल रजिस्टर नहीं कर रहा है और स्कूल नहीं करता है तो तुमको खुद से पर्सनली तुमको फॉर्म भेजना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें पैसा वैसे जो करना पड़ेगा वो कॉन्टैक्ट करके बात कर लेना, राइट। ओके, या फिर हम उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे जब हमको इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो करेंटली हम लोग कहाँ जाएंगे, ये वाले वेबसाइट में चल जाएंगे, राइट। सो लेट्स गो टू दिस वेबसाइट, हियर इज गूगल क्रोम। ओके, सो जैसे कि मैं लैंडस्केप मोड पे कर रहा हूँ, राइट। तो ताकि क्यों कर रहा हूँ ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये देख लो जो वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। वेबसाइट में आने के बाद नीचे जाओ और ठीक है यहाँ पे ऊपर में आ रहा होगा NTAC एग्ज़ाम 2020-21 एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तुमको यहाँ पे जाना है, राइट। यू विल बी वेंट टू अनदर सर्वर, ठीक है, तुम मतलब दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया जाओगे। और यहाँ पे लिखा आएगा कि सपोर्टेड यूज़र, लेटेस्ट यूज़र, ये सब अगर तुम्हारे पास ये होगा तब, ठीक है, कंप्यूटर होगा तब, राइट। सो तुमको क्या करना है, यहाँ पे जा करना है क्रोम में, ठीक है, यहाँ पे जाना है एंड डेस्कटॉप साइड मोड ऑन करना है, ठीक है, अगर तुमको पता हो ये वाला चीज़ तो। ओके, सो एक और चीज़, अगर मान लो तुम्हारा डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद नहीं चल रहा है तो ऐसे लैंडस्केप मोड पे कर लेना फ़ोन को, तब चलेगा, राइट, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड पे नहीं चलता होगा, राइट। तो ये सब चीज़ है बस, और राइट हेयर, इतना सब चीज़ है। देखो अब यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है ना, ये वाले में तुम क्लिक करोगे ना तो तुमको वो जो पेज है जहाँ पे डेट वेट सब मेंशनड है, जो अभी दिखाए थे पिक्चर, वो आ जाएगा, ठीक है। यूजुअल मैनुअल, वो सब मैनुअल वो सब पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, ये रहा लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड स्कूल्स, राइट। तो देखो अब स्कूल को अप्रूव होना पड़ेगा, राइट, और फिर यहाँ पे लिस्ट आएगा और उसके बाद ही तुम कैंडिडेट सेक्शन में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। कैसे करना है स्कूल को, स्कूल को करना है कि सबसे पहले क्लिक हियर टू रजिस्टर, उन लोग को रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद अपने डिटेल्स भरना है स्कूल का, स्कूल अपने से करेगा, ठीक है। वो होने के बाद ना फिर लॉग इन करके, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सब चीज़ हो जाएगा ना, जब चीज़ अप्रूव हो जाएगा स्कूल, यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे, राइट, तो लेट्स ओपन दिस। ओके, सो दिस इज एन एक्सेल फाइल, ठीक है।
अगर तुम उसको ओपन करते हो राइट, तो तुम्हारे पास आएगा कि अभी कुछ नहीं है ठीक है, करेंटली आज कुछ नहीं, क्योंकि कोई स्कूल अभी तक अप्लाई नहीं किया है राइट फ्रॉम झारखंड। तो जब अप्रूव होते रहेगा ना, तो वहाँ पे लिस्ट अपडेट होते रहेगा। ओके सो जो वो लिस्ट अप्रूव्ड स्टूडेंट्स का है, वो सिर्फ कंप्यूटर में खुल रहा है ठीक है, मे बी या फिर अपडेटेड वर्जन वो सब से खुल रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर से खुल रहा है, बट मेरे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उससे नहीं खुल रहा है राइट। सो मेन चीज़ जो है ये है कि हम कंप्यूटर से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेन चीज़ ये है कि अभी अप्रूव स्कूल में कुछ नहीं है 15 अक्टूबर में, बट ये धीरे धीरे अपडेट होगा जैसे जैसे स्कूल अपने आप को रजिस्टर करेगा। और फिर जैसे रजिस्टर कर लेगा ना, जैसे तुमको स्कूल का नाम वहाँ पे दिखेगा, उसके बाद तुमको यहाँ पे आना है राइट, फिर यहाँ पे आने के बाद क्लिक है टू रजिस्टर करना, और फिर तुमको अपने आप को रजिस्टर करना है राइट। तो देख लो रजिस्टर कैसे करना है ठीक है। ओके सो यहाँ पे NTSC एप्लीकेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे मोबाइल में OTP आएगा ठीक है। तो उसके बाद तुम अलग पेज में जाओगे, वहाँ पे तुमको स्कूल वो सब सिलेक्ट करना पड़ेगा राइट। तो हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे, से यहाँ पे OTP डालने के लिए दे दिए राइट। तो अभी मेरे पास OTP आएगा। ओके सो वेटिंग फॉर द OTP। ओके सो OTP 680387। ओके सबमिट करने के बाद यहाँ पे दूसरे पेज में आ गए। तो रजिस्टर होने के बाद ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि स्विच टू रजिस्टर। ओके ओके आई थिंक सो। ओके लेट्स डू इट इन पोर्ट्रेट मोड राइट। सो पोर्ट्रेट मोड में कर रहे तो नहीं हो रहा है, बट लैंडस्केप मोड पे भी अगर नहीं हो रहा होगा, सो आई थिंक सो इट वोंट वर्क। दिस इज नॉट अलाउड। सो बेसिकली जो है ये फ़ोन में नहीं ओपन हो रहा है राइट। सो बेसिकली फ़ोन में नहीं ओपन हो रहा है, जैसे कि मैं तो आपके सामने अभी क्या कर दिया कि लॉग इन कर दिया राइट, मतलब रजिस्टर कर दिया। उसके बाद आपको लॉग इन करने के बाद वहाँ पे और चीज़ अपलोड करना पड़ता है, पिक्चर अपलोड करना पड़ता है, बहुत चीज़ होता है। बट फ़ोन में नहीं हो रहा है राइट। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट एक्सेस द पोर्टल फ्रॉम एनी मोबाइल डिवाइसेस राइट। या तो फिर आपको किसी और से करवाना पड़ेगा, या फिर साइबर में जाके करना पड़ेगा। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, जैसे कि हम बता दिए ठीक है। अभी देखो इसके बाद क्या करना है कि ये हो गया, तुमको ये सबमिट करने के बाद तुमको जाना है कंप्यूटर में, किसी का लैपटॉप कंप्यूटर कुछ लेना है, वहाँ पे बैठना है। और उसके बाद जब देखो सबसे मेन चीज़ तो पहला ये है कि कोई दोस्त जिसके पास कंप्यूटर है, या फिर तुम मेरे से ही पहले ये जानकारी करवा लो कि तुम्हारा स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे जैसे रजिस्टर हो जाएगा ना, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद तुम कर सकते हो राइट। तुम्हारे पास उसके बाद तुमको जो भी करना है करना है राइट। तो उसके पहले कुछ नहीं करना राइट। सो यू नीड टू वेट ठीक है, अभी पेशेंस रखो ठीक है। तो अलॉ सो विथ हेयर आई एंड द वीडियो। आई होप सो समझ में आ गया हो कैसे रजिस्टर करना है। फ़ोन से नहीं होगा राइट, तो हम फ़ोन से पूरा कोशिश करके देख लिए ठीक है। सो विथ हेयर एंड द वीडियो, बाय एंड हैव अ गुड डे।